हेलो एवरीवन, मैं वर्षिबल स्वागत करती हूँ आप सभी का। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मैंने अपना वेट लॉस किया है और नेचुरली किया है। मैंने 30 kg वेट लॉस किया है, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी जिम के किया है। मैंने अपनी लास्ट पिछली सभी वीडियोस में अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या मैंने गलतियां की थी उनको कैसे मैंने सुधारा और कैसे अब मैं अपना वेट लॉस जो है वो कर पा रही हूँ इजिली, और कैसे अपना जो मैंने वेट लॉस किया है उसको मैं मेंटेन कर पा रही हूँ। इन सभी चीजों को मैंने अपनी लास्ट काफी सारी वीडियोस में डिटेल में शेयर किया है। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में है और हो सकता है आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो, तो प्लीज एक बार जाके आप उन वीडियोस को देखें। वो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इससे जो पहले मैंने अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो मैंने डिनर को लेके शेयर की थी। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे डाउट्स हम लोगों के अंदर होते हैं कि कैसे हम अपने डिनर को खाएं वेट लॉस में, किस टाइम खाएं, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया है, समझाया है। तो आप प्लीज जाके एक बार उस वीडियो को देखिए अगर आप डिनर को लेके कंफ्यूज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेकफास्ट को लेके बात करेंगे। जैसे कि ब्रेकफास्ट को लेके भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे अंदर कि क्या हमें अपना ब्रेकफास्ट वेट लॉस में करना चाहिए। देखिए, वेट लॉस जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। काफी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वेट लॉस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर आपने मेरी पिछली सभी वीडियोस को देखा है तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वेट लॉस जो होता है वो कैलोरी डेफिसिट से होता है। मींस आप अपने रिक्वायर्ड, जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं थ्रू आउट द डे, जिसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है कि अगर आप अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी TDE से कम खाएंगे, डेफिसिट में रहेंगे, तो आपका वेट लॉस होगा। तो बेसिकली वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैलोरी डेफिसिट में खाना। बट काफी सारी चीजें हमें इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपका स्लीप होता है, आपका स्ट्रेस होता है, आपके मील टाइमिंग्स होते हैं, वो कुछ हद तक इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस को अफेक्ट करते हैं। अगर आप एक रात ढंग से नहीं सोएंगे, अच्छी स्लीप नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके वेट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप इस पैटर्न को कंटिन्यूस रखेंगे और अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, जिससे कि आप ओवर ईट करते हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको क्रेविंग ज्यादा होती है, आपका कार्ब्स खाने का ज्यादा मन करता है। तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट भी रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस में, इनडायरेक्टली ये प्ले करता है। अब कैसे करता है? आप वेट लॉस पे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि ब्रेकफास्ट करना ही है, ब्रेकफास्ट करना मस्ट है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो हम पूरी रात का, हम लोग रात को जब पहली रात को हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मील होती है वो अगले दिन नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की होती है, जो कि हम अराउंड 11-12 आवर्स या उससे ज्यादा टाइम गैप के बाद लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने से बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं हमारी डाइट खराब होने के। वो कैसे? जब आप सुबह अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो लेटर इन द डे आप फुल रहेंगे, आप स्टार्व नहीं रहेंगे। जब हम बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम एकदम से, हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, जो कुछ भी हमारे सामने होता है हम उसको खा लेते हैं। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आप ओवर ईट करेंगे या जंक की तरफ जाएंगे या कोई स्नैक की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। जब हमारा पेट फुल रहता है तो हमारे चीटिंग के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने से हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत कंट्रोल रहती हैं, हमारा मन नहीं करता कुछ मीठा खाने का या ज्यादा फैट्स खाने का। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से अच्छा है कि आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वो हमारे वेट लॉस प्रोसेस को बूस्ट करता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो हमारी बॉडी को फ्यूल देता है, एकदम से फ्यूल देता है, रेप्लेनिश करता है हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कभी भी सोते नहीं है, लेटते नहीं है, पूरे दिन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, पूरे दिन के काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ब्रेकफास्ट हमें जरूर करना चाहिए। बट जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है तो ब्रेकफास्ट करना ही जरूरी होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आप शुरू से ब्रेकफास्ट करते आ रहे हैं और अगर आप ये सोच के अपना ब्रेकफास्ट करना छोड़ देते हैं कि आपका वेट लॉस होगा ब्रेकफास्ट से, तो वो गलत है, क्योंकि आपको, आपकी ये हैबिट बन गई है कि आपको एक ब्रेकफास्ट करना है, तो ऐसे चांसेस हैं कि कुछ टाइम बाद आप वापस से अपनी ओल्ड हैबिट्स पे चले जाएंगे एंड ओवर ईट करेंगे। इसलिए ब्रेकफास्ट को आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप करते हैं, आपको आदत है, तो आपको ब्रेकफास्ट को करते रहना चाहिए वेट लॉस जर्नी में।
जैसे कि हम सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, तो वैसे ही हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल अलग है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, आपको आदत नहीं है ब्रेकफास्ट की, तो डेफिनेटली आप अपना ब्रेकफास्ट ना लें, स्किप करें। बेसिकली यहाँ पे फंडा होता है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स का आपको ध्यान रखना है। सुबह के टाइम हमें इन तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो आप गुड अमाउंट में कार्ब्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फैट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रेकफास्ट में खाना क्या चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बनाना और करना इजी है। ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको, अगर आप वेट लॉस में है तो आपको कुछ स्पेशल ही अपने लिए बनाना है। आपके घर में जो भी बन रहा है आप उसको पोर्शन में लीजिए, अपनी प्लेट को देखिए कि क्या उसमें सभी मैक्रोज इंक्लूड है, तो आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। फॉर से अगर आप पोहा कुक कर रहे हैं तो आप पोहा लीजिए, पोर्शन में आप थोड़ा सा पोहा ले सकते हैं। एंड अगर आप वेजिटेरियन है तो उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप साइड में बॉइल्ड एग्स या ऑमलेट ले सकते हैं। प्रोटीन का एक सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पोहे को आप गुड फैट्स के साथ कुक कीजिए। फॉर से आप देसी घी में कुक कर सकते हैं। अगर आप परांठा खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप दो परांठे की जगह उसको रिड्यूस करके एक परांठा लीजिए, साथ में कुछ पोर्शन प्रोटीन का ऐड कीजिए। फॉर से अगर आप अगेन आप वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी आप सोया की सब्जी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग का यूज कर सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप उसमें से कुछ भी ऐड कीजिए, बट जरूर ऐड कीजिए। प्रोटीन हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक फुल रखता है। थ्रू आउट द डे आप फुल रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको हंगर पैंग्स नहीं होंगे, तो प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदर थिंग, अगर आप बिजी हैं, अगर आप वर्किंग पर्सन है और आपके पास टाइम नहीं है सुबह कुछ स्पेशल कुक करने का, तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके घर में जो कुछ बन रहा है, अगर आपके घर में पराठा बन रहा है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप ऐसे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पोहा, उपमा, दलिया, जो भी आप लोग ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं, उसको पोषण कंट्रोल में खाइए और साथ में एक पोषण प्रोटीन का भी जरूर ऐड कीजिए। अगर आप वर्किंग है तो आप पहली रात को अपने लिए प्रोटीन ओट्स बना के रख सकते हैं, या फिर आप सैंडविचेस बना सकते हैं। आप सैंडविच में सोया की फिलिंग कर सकते हैं, पनीर की फिलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि जो भी चीज आपको बनानी इजी है, कन्वीनियंट है, आप उसको बनाइए। बट अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपका वेट लॉस होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जो आसान लगता है आप वो बनाइए, बट डेफिनेटली आप अपने वेट लॉस में ब्रेकफास्ट को ले सकते हैं, वेल बैलेंस तरीके से इंक्लूड कीजिए। मैंने अपने वेट लॉस में बहुत सारी मिस्टेक्स की है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहती थी कि क्या हमें डिनर करना चाहिए, क्या हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या बना के खाना चाहिए। तो अब मैं जो भी मेरे घर में बनता है मैं उसको पोर्शन में लेती हूँ और सारे मैक्रोस का ध्यान रखती हूँ। तो ऐसे ही आप भी रख सकते हैं, डेफिनेटली आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत बार फेल हुई हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंटेंट डला हुआ है, इतनी ज्यादा चीजें डली हुई हैं कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। ज्यादा नॉलेज होने से भी हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी फेल्यूअर्स और उन फेल्यूअर्स से मैंने जो कुछ सीखा वो मैं अपनी वीडियोज के थ्रू आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मुझे नीचे कमेंट में आप अपने इश्यूज लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप नीचे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।